पापा रुपिया के खातिर जरी तोहार बिटिया, तोहरे हम बनावा के रहली ही रानिया। अच्छा मंजू मोहिनी नाम है आपका। अच्छा मंजू तो ठीक है, मोहिनी कहाँ से पड़ गया जी? मैं पहला गाना जब गाई थी तो बनारस जाके गाई थी। अच्छा, तो वहाँ के भैया बोले जो गाना गवाए थे, दीपक था उनका नाम, तो वही बोले थे कि ऐसे मंजू नाम तो अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ रखिए अपने नाम के आगे। हमने कई टाइटल बताए, हमने कहा क्या रखें, जैसे उसका क्या मतलब होता है, कहे जैसे सभी लोग टाइटल लगाते हैं अपने नाम के आगे, तो हमने कहा तो ठीक है। कई नाम उनको बताए, उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया, तो मोहिनी जब बताए तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तो तभी से मेरा नाम मंजू मोहिनी हुआ। मंजू मोहिनी जी। अच्छा कौन सा गाना आपका बहुत ज़्यादा सुपर हिट डुपर हिट गया है यूट्यूब पे? सबसे ज़्यादा जब शुरू में गाए थे तो वही गाना मेरा वायरल हुआ था, तो उसी से चैनल मोनेटाइज हुआ था, दहेज गीत था। अच्छा, थोड़ा सा एक दहेज गीत जो पारंपरिक गीत है, दहेज गीत जो जिससे जो है तमाम जो लोग हैं वो पीड़ित हैं, तमाम जो बेटियाँ हैं वो एक जो है पीड़ित है दहेज से, तो उस पर एक दोहे सुना दीजिए। दहेज गीत उस टाइम की है, बिटिया ब्याह कर अपने ससुराल में जाती है, तो ससुराल वाले दहेज के लालच में उसको जला देते हैं, तो अंतिम सांसों में अपने पापा को याद करते हुए रोते रोते कहती है कि पापा रुपिया के खातिर जरी तोहार बिटिया, पापा रुपिया के खातिर जरी तोहार बिटिया, तोहार बिटिया हो हाँ तोहार बिटिया, तोहार बिटिया हो हाँ तोहार बिटिया, पापा रुपिया के खातिर जरी तोहार बिटिया, तोहरे हम बनावा के रहली ही रानिया, खत्म हो तो बाटे पापा हमारे कहानिया, आई के समेटा अब मोर मटिया, आई के समेटा अब मोर मटिया, पापा रुपिया के खातिर जरी तोहार बेटिया, लेके माटी जाया पापा मोर माई के में, सेवा से बढ़ी के दहेज ससुरे में, छुअ ही न पावै पापिए मटिया, छुअ ही न पावै पापिए मटिया, पापा रुपिया के खातिर जरी तोहार बिटिया। दहेज प्रथा पर जो इन्होंने गाना गाया है वो काफी जो है एकदम से बहुत ज्यादा इमोशनल है, और खुद जो है इनके आंख भर आई है उस वो गाना गाकर, तो आप समझ सकते हैं कितने अंदर से और कितनी गहराई से इन्होंने गाने को गाया है। और हमारे साथ आज इस वीडियो में मंजू मोहिनी, जो काफी दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है, और इनके तमाम जो गाने हैं वो हमेशा वायरल होते रहते हैं। तो आज शिवानी पर, जब शिवानी कुमारी बिग बॉस से बाहर हुई तो ये भावुक हो गई और उस पर भी गाना लिख दी, तो कैसा लगा हमें कमेंट में आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।